फिजिकल लेवल पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझते हो, लाइक अमोनिया फॉर्मेशन. अब अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे होती है, हम उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं कि अमोनिया के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, है ना, वो सारी चीजें हमें समझ आई काइनेटिक्स को पढ़ के. उसके बाद हम लोगों ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया. जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि एक इस वक्त इस टाइम पीरियड पे रेट कितना था. होता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट देखो आप एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हो, ये कोफिशन को जोड़ के नहीं निकलता है. मान लो अगर कोई इंटरमीडिएट है, मुझे कैसे पता चलेगा कोई ऐसी स्पीशीज, जैसे यहाँ पे देखो आईओ नेगेटिव, ये रिएक्शन में ही बनी, रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गई और मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है, तो ये हमारी इंटरमीडिएट. हाय, वेलकम टू वेदांतु. से आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्विक रिवीजन फॉर द जेईई मेंस एग्जाम. तो कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सारे फॉर्मूला सारी चीजें एक जगह पर आपको मिल जाएंगी, तो पूरा सेशन जरूर अटेंड करना. छोटा सा सेशन होगा मेरे साथ, मैं हूं शिल्पी कौशिक आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पे. तो सबसे पहले तो यार देखो चैनल पे ना सब्सक्राइब हो जाओ, रीजन बीइंग जेईई का एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर नाउ. तो सारी चीजें एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा, पूरे लॉन्ग आवर्स की मैराथॉन्स है ना, फिर पेपर होने के बाद एंड नियर अराउंड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सब कुछ अपन चैनल के ऊपर कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप कुछ भी मिस ऑन ना करें, राइट, और स्टे सब्सक्राइब्ड. अब केमिकल काइनेटिक्स के जो आज के सेशन नोट्स हैं वो शिल्पी मैम ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि एक बड़े चैप्टर को जब छोटे से सेशन के अंदर यू नो सम अप करना पड़ता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आज के जो नोट्स है ना वो तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे. अगर तुम 15-20 मिनट में काइनेटिक्स को जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो तो मेक श्योर नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना. मेरी हैंड रिटन PDF आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सेशन PDF करके, तो उसको टैप कर लेना, राइट, और उसको जाकर आप रीड थ्रू कर लेना ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है. अब जैसे ही काइनेटिक्स करोगे आज शिल्पी मैम के साथ, तो जस्ट उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आप कितना समझ में आया, आप कितने प्रिपेयर्ड हो. तो केमिस्ट्री का एक DPP भी मैम ने अटैच कर दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, सारी काम की ही चीजें मिलेंगी और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी के लिए आपको पे नहीं करना है. अगर वेटेज की हम लोग बात करते हैं तो ये भी वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो गारंटीड काइनेटिक्स से आता है, हो सकता है दो सवाल भी आपको देखने को मिल जाए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके. चलिए तो सबसे पहले हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आता है. देखो किसी भी चीज के जब मैं रेट की बात करती हूँ तो रेट होता है किसी चीज के अंदर चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग और रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब रिएक्शन के हिसाब से अपन रिएक्शन के रेट की बात करते हैं. अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स को याद करो तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता पाता था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है. बट अगर थर्मो से तुम पूछते हो कि क्या तुम मुझे रिएक्शन का रेट बता सकते हो, वो किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है या किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, तो वहां थर्मो हार मान लेती थी. तो इसीलिए क्लास 12th में तुम्हें काइनेटिक्स पढ़ाया जाता है, रिएक्शन के रेट को समझना एक्सपेरिमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब तुम प्रैक्टिकल लेवल पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझते हो तो यू रियलाइज कि हमने लाइक अमोनिया फॉर्मेशन, अब अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे होती है, हम उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं कि अमोनिया के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, है ना, वो सारी चीजें हमें समझ आई काइनेटिक्स को पढ़ के. उसके बाद हम लोगों ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, राइट, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो हम रेट को डिफाइन करते हैं रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब ये प्लस माइनस मैम लिख रही है यहाँ पे, उसका क्या मतलब होता है, जब भी तुम रेट को एक्सप्रेस करते हो रेट कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, बट तुम देखते हो रिएक्टेंस की टर्म में जब हम रेट लिखते हैं तो वह माइनस का साइन आता है. वो माइनस एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती जाती है, है ना, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जाती है. सो दैट इज ओनली टेलिंग अस अबाउट द चेंज, नेगेटिव है या पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, लाइक दैट. कॉमनली अपन दो तरीके से रेट को एक्सप्रेस करते हैं, एक हमारा एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस. एवरेज रेट बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह, जैसे एक कार चल रही है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैंने बोला एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी,
तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर पॉइंट पे कार की स्पीड 50 थी, कुछ पॉइंट पे हो सकता है 20 भी रही हो, है ना, कुछ पे 100 भी गई हो. सो हम ऑल इन ऑल एक एवरेज स्पीड बता देते हैं पूरे उस इंटरवल ऑफ टाइम में. ऐसे ही हम ए रेट की बात करते हैं कि पूरे एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के अंदर, एक टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया है आपकी रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट. तो ये अपन डेल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि एक इस वक्त इस टाइम पीरियड पे रेट कितना था. तो यहाँ पर क्योंकि टाइम चेंज, जो टाइम का इंटरवल है बहुत छोटा है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो तब हम इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करते हैं. तो इसके एक्सप्रेशन में अपन डिफरेंशियल फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है. और ये भी देखो, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, ये स्लोप होता है. दिस इज स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. देखो डीवाई बाई डी एक्स स्लोप ही तो होता है, तो ये स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है. ओके चलो, ओवरऑल रिएक्शन के रेट को अपन कैसे दिखाते हैं. जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है हमारे पास, तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट बताना है ओवरऑल, तो मैं कैसे लिखती हूँ, रिएक्टेंट के अंदर जो भी चेंज आया है, ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे एच आई इसके कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है, माइनस से उसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है टाइम के साथ, और डिवाइड करना है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इसे नहीं भूलना, है ना. प्रोडक्ट के लिए यही चीज प्लस साइन करके आएगी, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोडीन का भी 1 ही है तो सेम रहेगा, है ना. जैसे नीचे एक मैम ने एग्जांपल लिया है, तो रेट देखो ब्रोमाइड आयन की टर्म्स में -1/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड विद टाइम, ऐसे ही इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही आएगा डिनोमिनेटर में. एच प्लस के लिए 6 है तो नीचे डिवाइड करना है ना. लिखा हुआ है देखो, गिवन बाय डिवाइडिंग एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना, डिवाइड करके. इसके साथ साथ कभी कभी पेपर में ऐसे कहीं पे टर्म मिले तुम्हें कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ. रेट ऑफ अपीयरेंस, जैसे लास्ट रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन बताओ, तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हो कभी, या डिसअपीयरेंस, यही चीज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करके पूछे, तो उसमें कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आते, है ना. उन केस में लिख लो, डोंट इंक्लूड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जैसे अगर मुझे ब्रोमीन का रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है, तो सिर्फ इतना होगा, वो ये 3 को मुझे रेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या इनमें से किसी के साथ. रेट ऑफ अपीयरेंस सिर्फ इतना होगा. मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है ब्रोमाइड का, तो उसमें सिर्फ -dBr नेगेटिव, मतलब ये आएगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. अब रेट लॉ हम कैसे मतलब ये हमें क्या बताते हैं, देखो एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है. लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि जब आप रेट लिखते हो किसी रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के रेस टू द पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, ठीक है. बट लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो सारी रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे अप्लाई होता है. तो हम एक्चुअली रेट लॉ को पढ़ते हैं, जो ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट देखो आप एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हो, ये कोफिशिएंट को जोड़ के नहीं निकलता है, ठीक है. जैसे किसी रिएक्शन के लिए मैम ने लिखा रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट इनटू जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का रेस टू द पावर एन, जहां पे एन हमारा ऑर्डर होने वाला है, ये रेट कांस्टेंट अपना के है, के अपना रेट कांस्टेंट होगा, ओके. तो ये चीज होती है, ये ऑर्डर क्या होगा एन, ये अपन एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. ऐसे ही देखो यहाँ पे सम ऑर्डर कैसे निकलता है रिएक्शन का, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपियरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. जैसे मैंने बोला किसी उस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये है, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जो भी उनकी पावर है उनको जोड़ दो, 1+0 को जोड़ूंगी तो ओवरऑल रेट ये होगा. ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं आता, समझो इस बात को, ये जो 1 और 0 है ये स्टोइकियोमेट्री से नहीं आता, ये एक्सपेरिमेंटली आता है, है ना. और इनको जब जोड़ेंगे ये ऑर्डर बताएगा हमें, टोटल ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन का.
चलिए ये देखो, ऑर्डर किसी सिंपल रिएक्शन का तो आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो ऑर्डर होते हैं वो मैकेनिज्म के थ्रू निकाले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल भी पेपर में, सवाल पूछा है यहाँ से 2023 में, जैसे ये एक रिएक्शन दे दी तुम्हें और इस रिएक्शन के लिए ना मैकेनिज्म दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यानी मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, और इसका मैकेनिज्म दे लिया और हमसे रेट का एक्सप्रेशन पूछ लिया, हमसे ऑर्डर पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो एक रेट तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होता है ना ऐसे क्वेश्चन में ना, तुम्हें स्लोएस्ट स्टेप को उठाना है, क्योंकि तुम्हें पता है स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, इजी टू कैप्चर। तो अगर मैं स्लो स्टेप को उठाऊं, उसके हिसाब से अगर मैं रेट लिखूं, तो H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन आयोडाइड की, ये बनेगा। अब ये देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस पे तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हो, यानी उनका रेट को हम लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करके। फिर से सुनो, मैम इज सेइंग कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म जब आप देखते हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है, और उन एलिमेंट्री स्टेप पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, राइट। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए मैकेनिज्म पे, तो आपको क्या करना है, स्लोएस्ट स्टेप की मदद से रेट को लिखना है। नेक्स्ट चीज जो आप करेंगे वो ये देखेंगे कि कहीं स्लोएस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, तो नोट करके लिख लो, देयर शुड बी नो इंटरमीडिएट इन द रेट एक्सप्रेशन। रेट के एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई इंटरमीडिएट है, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई ऐसी स्पीशीज, जैसे यहाँ पे ये देखो IO नेगेटिव, ये रिएक्शन में ही बनी, रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गई और मेन रिएक्शन के अंदर नहीं है, तो ये हमारी इंटरमीडिएट होती है। तो अगर कभी इंटरमीडिएट स्पीशीज रेट के एक्सप्रेशन में दिखेगा यहाँ पे, तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपको सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनल लिखना पड़ता है, ओके। तो क्वेश्चन देखोगे तो हो जाएंगे, बट इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हमारे रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल याद मत रखना। जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो अपन रेट कैसे लिख सकते हैं इसके लिए, रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। अब रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर और ये सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, रेट के लिए मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हम लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट की निकालनी है। अब ए की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर में ही होगी, रेस टू द पावर एन, तो यहाँ से के लिए सॉल्व कर लो, इस टर्म को सारी डिनोमिनेटर में ले जाओ, है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं रेट के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। यूनिट को देखकर ही चलते रहना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं देता, सिर्फ यूनिट आपको देता है रेट कांस्टेंट की, तो वहां से आपको पिक करना पड़ेगा कि जैसे मान लो रेट कांस्टेंट की यूनिट में सेकंड इनवर्स है, तो आप समझ जाओगे अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल वैसे एक्सप्रेशंस तुम्हें जीरो फर्स्ट से ही करने हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ए आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सबके एक्सप्रेशन मैम ने साथ में कंबाइन करके लिखती हैं, राइट। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ये वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जो बच जाती है, जैसे ए ने प्रोडक्ट बनाया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, अब ये नहीं बना, फिर ए नॉट में से एक्स टूट के एक्स प्रोडक्ट बना, तो ये जितनी बच जाती है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है टाइम टी के ऊपर। जैसे मैंने बोला 80% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची, 100 में से 80 गया 20, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी विल बी 20, ओके okay, इस तरह मैम इज सेइंग। तो ये एक्सप्रेशन है, ये ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, के आपका रेट कॉन्स्टेंट है और टी टाइम है, ठीक है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब आपकी रिएक्शन 50% रिएक्टेंट कंज्यूम कर चुके होते हैं रिएक्शन में, आधी रिएक्टेंट खत्म होके प्रोडक्ट बन चुका है, आधी ही अमाउंट बची है, तो उसको आप लगा सकते हो जब ए नॉट का हाफ हो जाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी is equal to a not by 2, वो आपकी half life हो जाएगी, ठीक है, yes।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही ये 3/4 लाइफ को याद करने की जरूरत है, पेपर में आएगा तो एक्सप्रेशन निकाल लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब इनकी ग्राफिकल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ग्राफ्स भी सारी देखकर चलते रहना है आपको, राइट। लॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम इज इक्वल टू -KT लॉन ए नॉट, ये ए टी वही कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे और ए नॉट इनिशियल है, इसकी वो वाली फॉर्म जो आप कॉमनली यूज करते हो। रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2.303/T log initial concentration by concentration at time t। बस फर्स्ट तक याद रखना, सेकंड nth ऑर्डर के एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैम ने जनरल एक्सप्रेशन भी यहाँ अटैच कर दिया कि अगर तुमको लगे तो तुम कर सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस? बोलो कोई भी कंफ्यूजन है मैम से पूछ सकते हो राइट अवे। ओके चलिए सॉर्टेड है, तो चैट में देखो लिखते रहो आंसर्स, मैम को कॉमेंट में देते रहो कि यस मैम एवरीथिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, है ना। आसान होंगे क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, जल्दी क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपकी इन सेशन में और आपके क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाएंगे। ओके चलो ये छोटू सा डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में तुमको कंफ्यूजन होती है तो ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है क्वेश्चन यहाँ से, बट मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए लिख दिया कि अगर तुम बोर्ड्स के लिए भी रेफर करना चाहते हो तो भी, ताकि यू गेट एवरीथिंग थ्योरेटिकल। कभी कभी जेई के अंदर ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे देता है और उसमें कोई एक वर्ड ऐसे लिख देता है इनमें से, तो यही पर्पज था मैम ने अटैच किया, जैसे लिख दिया कि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू होता है विच इज राइट। मॉलिक्यूलरिटी हमें क्या बताता है बोलो? यस मॉलिक्यूलरिटी हमें बताएगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से, है ना, उनमें जो रिएक्टेंट की पावर होती है उनका टोटल सम करते हो टोटल ऑर्डर आ जाता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होता है, फ्रैक्शन में जीरो कभी नहीं हो सकता, बट आपका ऑर्डर हो सकता है। ओके ये मेन मेन से पॉइंट्स है, मैम ने और लिख दिया एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो थोड़ा एक्सप्रेशन तरीका देख लेना कि कैसे करना है। जैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है हमारे पास, है ना, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह होता है। इसमें हमें कुछ टाइम इंटरवल पे कॉन्सेंट्रेशन दी होती है और हमसे ऑर्डर पूछता है, तो तुम इसमें कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक कर सकते हो रेट कॉन्स्टेंट निकाल के, ठीक है, किसी दो वैल्यू के लिए, दो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के लिए आप ऐसा करके देख लो, दो रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, अगर दोनों सेम आते हैं तो जीरो ऑर्डर होगा, नहीं आते सेम तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करो, है ना। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन से दो डेटा का रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, अगर बराबर आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। सॉर्टेड है? चलिए देन वी हैव हाफ लाइफ मेथड। इसके अंदर ये बहुत आसान होता है, इसमें हम ये बोलते हैं एटलीस्ट टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें रिएक्टेंट की होनी चाहिए उनके हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जहां से हम ऑर्डर निकालते हैं। यहीं से 2023 में काफी सवाल पेपर में पूछे थे, ठीक है, तो इतने छोटे से एक्सप्रेशन से आया था, टी हाफ का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का डेटा दिया हुआ था और इनफैक्ट एक शिफ्ट में प्रेशर का डेटा दिया था, टी हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पर देखो जैसे टी हाफ जो फर्स्ट ये एक्सप्रेशन देखो, T half है किसी रिएक्शन का nth ऑर्डर के लिए, वो इनवर्सली रिलेटेड होता है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर n माइनस वन। T half इनवर्सली रिलेटेड होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर n माइनस वन के, और यही अगर प्रेशर है तो इनिशियल प्रेशर रख देना यहाँ पे। तो जो डेटा दिया होगा क्वेश्चन में उसके दो डेटा को उठाना, T half को डिवाइड कर देना और वहां से n की वैल्यू निकाल लेना, कर सकते हो बोलो? सॉर्टेड है? यस हाँ हो जाएगा आराम से, देयर वुड बी नो कंफ्यूजन, तुम कर पाओगे। अच्छा मैम विजिबल है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आई थिंक सॉर्टेड है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ी सी जगह है तो मैम एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिखवाना चाहती है एरहीनियस इक्वेशन का। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पेपर में पूछता है, अगर कुछ नहीं आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मैम कौन से दो टॉपिक करके जाए, तो मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर बोलूंगी और एरहीनियस इक्वेशन बोलूंगी, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्रेशन है, रेट कॉन्स्टेंट आपका किसके बराबर होगा? ए ई रेस टू पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय आर टी, है ना। अगर आपको क्वेश्चन मिला जो लास्ट ईयर काफी सवाल यहाँ से आए थे कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था आपसे, है ना, तो दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट अगर दिए होंगे तो आप यूज कर सकते हो log K2 by K1, ओके,
विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 आर 1 बाय टी 1 माइनस 1 बाय टी 2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, सो इट विल गिव यू द आंसर इजीली। और यही चीज आपको कभी ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछ लेता है, जैसे बोलेगा कि मैं इस वाले ग्राफ में अगर आप लॉन ले लो, टेकिंग लॉन बोथ द साइड, तो एक एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है इसका। देखो लॉन के किसके बराबर होगा, लॉन ए माइनस ए बाय आर टी। तो अगर मान लो मैं ग्राफ बनाती हूँ किसका, अगर मैंने लॉन के वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ बनाया, तो वहां पे देखो नेगेटिव स्लोप आएगा और स्लोप होगा माइनस ए बाय आर। तो कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे खेलता है, वो आपको ना स्लोप दे देता है, वो बोलता है कि स्लोप ये है और रेट कॉन्स्टेंट अलग टेम्परेचर पे दे दिए और एक्टिवेशन एनर्जी आपको नहीं दी होती वहां पे, मतलब रेट कॉन्स्टेंट एक टेम्परेचर पे दे दिया, दूसरे पे निकालने के लिए बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी की जगह पे स्लोप दे दिया ग्राफ का। तो ऐसे करके थोड़ा दिमाग लगाना और कर लेना इसको, है ना। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से क्या चेंज होता है ऐसे पूछ सकता है, तो इसका टेम्परेचर का इम्पैक्ट थोड़ा देख कर चलना, राइट। तो ये मेन चीजें थी अपने चैप्टर में क्विक रिवीजन के लिए। तो कमेंट करके बता दो इसके बाद कौन सा सेशन चाहते हो, तो वही सेशन करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो डेली पीपीपी है, मतलब डीपीपी है, उसको जाकर सॉल्व जरूर कर लेना, और सेशन के नोट्स को पीडीएफ को प्लीज डाउनलोड कर लो, ताकि सारी चीजें तुम्हें मिल जाए। Okay, that's it for today's class. Shilpi ma'am, aapse next time milengi. Stay subscribed on channel and like the video. Doston ke saath share zarur karna. Thank you. Bye.